फितरत। तो इसी तरह ये हमारे जो अकाबिर आराम फरमा रहे हैं, इसी तरह हजरत वालिद मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, इन लोगों की बड़ी कुर्बानियां हैं, बहुत गालियां खाई हैं, बहुत बुरा भला कहे हैं, तब जाके ये मुकाम मिला है, ये रुतबा मिला है। ऐसे भी कोई के हासिल होगी, कितनी कुर्बानी, कितनी गालियां खाई, आज तक लोग बुरा भला कहते हैं, बहुत बदजनी भी हो जाती है, आदमी बुजुर्गों को समझता नहीं, अब उनके जाहिरी अमल को देख करके बदगुमानी हो जाती है, क्योंकि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, उसकी हकीकत तक हम नहीं पहुंचते, फौरन जो है बदगुमानी हो गई। एक साहब बड़े अल्लाह वाले, उनके बारे में जो सुना, वो दो तीन साल पहले वाले सब बहुत कमजोर हो गए थे, लेकिन ऐसे वक्त में भी लोग बुलाते, इलाके में जाते, दर्द था, जिस चमन की उन्होंने आबियारी की थी, जिस चमन को उन्होंने पसीना कुन बहा के सींचा था, अब वो लोग बिगड़ रहे हैं, उनकी आबियारी के लिए जब बुलाते तो फौरन लबैक कहते जाते, कमजोर है, बैठ नहीं पाते, इतना वक्त दे नहीं पाते, बोल नहीं पाते, लेकिन फिर भी वक्त दे रहे हैं, तड़प यह है कि किसी तरह जो सुधार आ जाए, किसी तरह मुआशरे के अंदर जो है बेहतरी आ जाए, लोग अल्लाह अल्लाह कहने वाले बन जाए, गफलत दूर हो जाए, ये तड़प थी, बेचैनी थी, बेकरारी थी। बड़े अल्लाह वाले, उनका जुमला है सुनकर बहुत हैरत हुई, कि ऐसे अल्लाह वाले होते हैं, ऐसे जो जुमला कहने लगे, तुम अपने पप को मना करो प्रोग्राम के लिए, ये तो सिर्फ हिर्स की वजह से, लालच की वजह से जाते हैं, कि मैं नहीं था, तुम सुन के आ गए, ठीक बात है। असल में मसला ये नहीं है, मसला ये है, एक शायर कहते हैं, इदा सा फेरुल मरी साद जुनूनु, इदा सा फेरुल मरी साद जुनूनु, जब किसी इंसान का फेल खुद बुरा होता है तो उसका गुमान भी बुरा होता है, जब उसका काम बुरा होता है तो उसका गुमान भी बुरा होता है। वो एक सद्दकु मा यातादुहु मिनल वहमी, और जो वहम करने के आदि है उसकी वो तस्दीक भी कर देता है। कोई ऐसा मौका आ जाता है तो कहते हैं ना ये सही है। एक आदमी जो है वो जानता है कि भाई जो आता है चोर है। अब एक आदमी आया, पूछा राजनबी आदमी है, वो जानते नहीं आपको, जो पता मालूम नहीं किस कमरे में आप रहते हो, मालूम नहीं, कभी ये कमरा झांकता है, कभी वो कमरा झांकता है, लगता है चोर है, क्योंकि आपके जहन में भी बना हुआ है, फौरन आपको मान के वो चोर है। हालांकि ये नहीं सोचते उसकी अच्छाई की तरफ सोचना चाहिए, हो सकते हैं अजनबी आदमी हो, आप रहनुमाई करते हो उसकी, उसके बजाय आप बदगुमान हो। ये बदगुमानी बहुत बड़ी चीज है, बहुत बुरी चीज है, तबाह कर देता है इंसान ये बदगुमानी। बहुत सारे ऐसे जो है काम जिसकी बुनियाद पर बदगुमान होकर के बैठ गए। हजरत मौलाना याकूब साहब नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने उनके मलफूजात को जमा किया है, दवाए दिल या दर्द दिल के नाम से। पहले उनसे बैत थे, भोपाल के रहने वाले, वो एक मरतबा जो उन्होंने खत लिखा किसी, पहले हैदराबाद के अंदर थे, किसी बुजुर्ग के सिलसिले में सब तारीफ के वो लिखे कि मैं तो सारे लोग तारीफ के कलिमात लिखे, उन्होंने दो कलिमा लिखा, मैं तो आपको सरता पा, सर से पैर तक ऐब से भरा हुआ मैं देखता हूं, सरापा ऐब ऐबदार है आपको भी आप, मैं ये लिख के भेजा। सारे मुरीदीन उसको पढ़कर हैरत करने लगे, इतना ज्यादा चाहने वाला, इतना मोहब्बत करने वाला, हजरत से अकीदत रखने वाला, वो ये अल्फाज लिख रहा है। बहुत हैरत से उनको मलामत करने लगे, भाई क्या लिख दिया तूने, सब मलामत करने लगे, कहना भाई तुम्हारे मलामत करने से क्या होगा, हजरत समझते हैं मैं समझता हूँ, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता। हजरत के पास गए, कहने लगे हजरत बात असल में ये है, आप तो हैं आईना, आप तो आईना है, आईने के सामने जो आता है उसको अपना अक्ष नजर आता है, आईने के सामने जो बैठता है उसको अपना अक्ष नजर आता है, तो मेरा अक्स नजर आ रहा है, मैं सर तक पैर गुनहगार हूं, खताकार हूं, ऐप से भरा हुआ हूं, मैं अपना ऐप देख रहा हूं। उसके ऊपर में एक वाकया उन्होंने नकल किया कि हजरत मिर्जा मजहरे जाने जा रहमतुल्लाह अलैह के पास एक जोगी आए, जोगी आने के बाद थोड़ी देर बैठा, मुराकिब हुआ, कहने लगा हजरत आपका जाहिर बिल्कुल रोशन है, बहुत चमक रहा है, लेकिन आपका दिल इंतहाई काला है, सिया है आपका दिल,
अगर हमारे सामने कहता हूं तो एकदम गुस्सा हो जाए, एकदम लाल पीले हो जाए। अतिरिक्त ने बहुत इत्मीनान से फरमाया, भाई इस मकाम तक तो कैसे पहुंच गए, इस मकाम तक तुम कैसे पहुंच गए जो तुम मेरे जाहिर बातिन को देख रहे हो। उसने कहा, मेरे गुरु ने वसीयत की थी कि तू हमेशा नफ्स के खिलाफ करना, दिल जो चाहे उसके खिलाफ करना, उसी का नतीजा है। हमेशा मैं अपने नफ्स के खिलाफ करता हूं, उसका यह नतीजा है। एक आदमी अपने नफ्स के जोगी गैर मुस्लिम, वो ये मुजाहिदा कर रहा है, मुजाहिदे की बुनियाद पर ये चीजें उसको हासिल है, अब देख रहा है कौन कैसा है। हजरत ने फरमाया, अच्छा ईमान लाने को दिल चाहता है करना, तो फिर गुरु की बात पर अमल करो। ईमान लाने को दिल चाहता है करना, तो फिर गुरु की बात पर अमल करो, ईमान लाओ। तो बर्जस्ता कहता है, मेरे गुरु ने कहा था तू जरूर मुसलमान हो जाएगा, गुरु ने कहा था, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। मुसलमान होने के बाद अब मजलिस के अंदर, अब फिर उसके बाद हजरत फरमाने लगे कि अब जरा देखो, तो फिर दोबारा सर झुकाया, अब कहने लगा अब तो दिल भी रोशन हो गया, जाहिर तो पहले से रोशन था, अब दिल भी रोशन हो गया। तो उसके बाद हजरत ने फरमाया, देखो ये आईना है, आईने में अपना अक्स नजर आता है, तुम आए तुम्हारा अक्स नजर आया, तुम्हारे दिल के अंदर ईमान नहीं था, जाहिरी मुजाहिदात की बुनियाद पर ये चीजें हासिल हो गई थी, तुम्हारा जाहिर रोशन हो गया था, दिल में ईमान नहीं था इसीलिए तुम्हारा दिल सिया था, अब ईमान ले आए दिल भी रोशन हो गया। अल मुमिनु मिरआतुन मुमिन, एक मुमिन दूसरे का आईना होता है, उस पर अपना अक्स नजर आता है। हम समझते हैं कि अब उसकी बुराई नजर आती है हमें, ना वो अपनी बुराई है, दूसरे के ऐप छुपाने का हुक्म है, जाहिर करने का नहीं। अगर जाहिर कर रहा है इसका मतलब तुम्हारे अंदर है, ये चीज है, ये बहुत खतरनाक चीज है। इस तरह की बातें बहुत सी बदगुमानियां हो जाती है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आदमी को ऐसी हासिल नहीं होती। अब वो चीजें इश्क के दर्जे में पहुंच जाती है, वो आदमी हाल के दर्जे में होती है, वो ऐसी जो है सिफत जो गलबा हाल कहते हैं, अब उसकी बुनियाद पर कोई आदमी काम करता है, उसको बुनियाद नहीं बनाया जाता। जैसे वालिद मरहूम 2000 के अंदर हज किए, क्या आशिकाना मिजाज, आप हरम के अंदर पहुंचते हैं जूता नहीं पहनते, साथ में जाने वाले जो हैं वो कहते हैं पैर में वरम आ जाता, उसमें ये पड़ कंकरी लग लग के जो वरम आ जाता, रात में बैठ के तेल घसते मालिश करते, लेकिन चप्पल नहीं पहनते, क्या पता कि किस जगह पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम में मुबारक पड़ा हो। ये कौन कर सकता, हम नहीं कर सकते, जो इश्क के अंदर डूबा हुआ हो वही ये काम कर सकता है। कहने वाले तो बहुत होते हैं लेकिन करके दिखाने वाले नहीं होते। ये आशिकाना शान थी, हजरत नानुती रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक हम सुनते थे उस शान, कभी जूता नहीं पहनते थे हरम में जाकर, उसको जो है आपने सुन्नत को ही आगे जिंदा किया वो इश्क। अब इस तरह की चीजें उनके साथ हज में रहने वाले, अब उसके बाद और एक हज किए, हमारे इलाके के साहब मक्का में रहते थे वो साथ में थे, कहते तवाफ के अंदर और हर अरकान को अदा करने के अंदर बहुत लोगों के साथ में रहा, बड़े बड़े लोग यहां आते उनके साथ में रहा, लेकिन जो दीवानगी मैंने देखा किसी के अंदर नहीं देखा, जो वारफ्तगी दीवानगी वो शान किसी के अंदर नहीं देखा। अलग चीज होती है, कैफियत अलग होती है।